आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। आम आदमी पार्टी को हम धिक्कार करते हैं और दिल्ली के शासन से जल्दी उतारने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी कार्यकर्ता जब तक ये दिल्ली को नहीं छोड़ेगा, हम इसके पीछे और इसके लिए ऐसी धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। तो एक समुदाय को वो करने के लिए, खुश करने के लिए ये इतनी गंदी राजनीति पे उतर आए कि इनको ये भी नहीं पता कि हम कौन से धर्म से हैं। विधानसभा के अंदर जो हटास किया है, जो हसहस की बातें की हैं पूरी विधानसभा के अंदर, उसका रोष है ये। एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए वो टैक्स फ्री नहीं कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंह घानिया। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिस दिन से रिलीज हुई है उस दिन से ही चर्चे में है। यहां पर भाजपा सरकार जो है पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है इस फिल्म को टैक्स फ्री को लेकर, इस फिल्म को टैक्स फ्री बनाने को लेकर मांग कर रही है। वहीं इधर पर जगह जगह पर जो है दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी प्रदर्शनों के बीच आज हम आपको लेकर आए हैं सरस्वती विहार में। आज का यहाँ पर भाजपा का जो प्रदर्शन है सरस्वती विहार के निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो चलिए इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है। सर, क्यों ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? आपने देखा होगा ये केजरीवाल सरकार, अचानक लोगों की सरकार, जो दिल्ली के अंदर हर तरीके से दिल्ली को फेल करने में लगे हुए हैं और हिंदुओं को लाचार बनाने में लगे हुए हैं। इसने जो विधानसभा के अंदर बोला कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोस्टर चिपकाता है, बड़े हमें तो बड़े गर्व की बात है कि हम एक पोस्टर चिपकाने वाले आज निगम पार्षद बने हुए हैं, हमारे देश के चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तुम्हारी पार्टी के अंदर कौन सा व्यक्ति ऐसा चाय बेचने वाला या पोस्टर चिपकाने वाला? तुमने अरबोंपति आदमियों को तो राज्यसभा से भेज दिए। तुमने जो भी काम किया सब पैसे वालों के लिए किया और कहते हो ये आम आदमी पार्टी है। ऐसी आम आदमी पार्टी को हम धिक्कार करते हैं और दिल्ली के शासन से जल्दी उतारने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी कार्यकर्ता जब तक ये दिल्ली को नहीं छोड़ेगा, हम इसके पीछे और इसके लिए ऐसी धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। और हिंदू हित के लिए जो हिंदू हित की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा। आज दिल्ली के अंदर जिसने ये कश्मीर फाइल को हम टैक्स फ्री कराने के लिए बात कर रहे हैं, उसको टैक्स फ्री नहीं करा रहा। इसने कितनी किसानों का टैक्स फ्री किया है? सर, आपकी सरकार क्यों चाह रही है कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराया जाए? हमारी सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता इसलिए चाह रहा है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं उसको देखे और उनके सामने आए कि हमारी देश एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको सभी लोग देखें, ताकि देखने के बाद ऐसी अजारक सरकार जो केजरीवाल सरकार की है उसको उखाड़ के दिल्ली से फेंके। हाय हाय। सर, विधानसभा में केजरीवाल ने एक और टिप्पणी की है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है इस वक्त पे। उन्होंने कहा है कि जैसे अगर चाहते हो कि सभी लोग ये फिल्म देख रहे हैं कश्मीर फाइल्स, तो इसे यूट्यूब पर डलवा दो तो फ्री में सब लोग देख लेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो ये दिल्ली विधानसभा का सत्र जो चलाता है वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, यूट्यूब के माध्यम से क्यों नहीं चलाता वो? हर चीज़ यूट्यूब के माध्यम से होता है क्या? आजकल तो कोरोना काल के अंदर सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, अपना वर्चुअल विधानसभा चला है। दिल्ली की जनता का जो घाटा कमाई है उसके अंदर वहाँ पे इकट्ठे क्यों करता है लोगों को? एक दिन का विधानसभा का सत्र जो चलता है 10 लाख रुपए से कम ऊपर खर्च होते हैं, किसने खर्च करता है? यूट्यूब के एडवर्टाइज के ऊपर जगह जगह देखो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, किसने करता है? जो काम करता है वो दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का जमीनी नेता कार्यकर्ता आज क्षेत्र के अंदर विकास कार्य कराता है, जिसको इस व्यक्ति ने बंद करा चुका है। दिल्ली नगर निगम को फेल करने के लिए सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो इस अली बाबा 40 और केजरीवाल का है। सर, विधानसभा में केजरीवाल ने एक बयान और दिया है। उन्होंने बोला है कि जो भाजपा है ये अंबेडकर विरोधी है, अंबेडकर जी से नफरत करती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे कि केजरीवाल को बिल्कुल दिल्ली के बारे में नॉलेज ही नहीं है, हिंदुस्तान के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आज 70 साल के अंदर आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का
कोई भी स्थान ऐसा नहीं था कि जो बनाया हो। जब से मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने के आने के बाद जहां हमारे भीमराव अंबेडकर जी पैदा हुए, जहां उन्होंने अंतिम सांस लिए, ऐसे पंच तीर्थ के नाम से हमारे माननीय मोदी जी ने स्थान बनाए, 5 स्थान बनाए, और ये कहता भीमराव अंबेडकर जी के विरोधी है। आप ये बताएं केजरीवाल साहब, इनके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किया भीमराव अंबेडकर जी के लिए? कोई स्थान बनाया? एक वो पिक्चर दिखा रहे हो सिर्फ, वो भी कभी कभी कहते हो आज से नींद लगी शुरू हुई है, कभी 5 दिन आगे एक्सटेंड हो गई है, ये सब काम। मतलब झूठा आदमी, इतना झूठा व्यक्ति को तो तिहाड़ के अंदर क्या काले पानी की सजा दे देनी चाहिए। सर, इस फिल्म को लेकर, टैक्स फ्री को लेकर इतनी भारतीय जनता पार्टी में इतनी चिंता क्यों? सर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है। जब ये दुभात कर रहे हैं, बाकी फिल्मों को इन्होंने अपने यहाँ प्रचार भी किया, प्रसार भी किया, टैक्स फ्री भी किया, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ये जो नीति है, ये बहुत ही ओछी नीति है, और हम इसका बहुत बहुत कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जब तक ये टैक्स फ्री नहीं होती है फिल्म, तब तक ये जो प्रदर्शन है ये ऐसे ही चलते रहेंगे? सर, प्रदर्शन तो हमारा चलता ही रहेगा, ये तो रोज़ कोई ना कोई मुद्दा, पहले शराब आबकारी नीति पे था, आज हमारा ये पिक्चर के लिए है। तो एक हिंदू धर्म इतना लचीला नहीं है, हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, और इनको खुद भी हिंदू हैं तो इनको अपने ऊपर अभिमान होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये उस चीज़ को, वही मैं कहूँगा बार बार कि एक प्रतीक समझाए समुदाय को वो करने के लिए, खुश करने के लिए ये इतनी गंदी राजनीति पर उतर आए कि इनको ये भी नहीं पता कि हम कौन से धर्म से हैं, कौन से हमें किस मजहब से हैं, और हमें सिर्फ अराजकता फैलानी है। सर, विधानसभा में एक टिप्पणी की गई केजरीवाल के द्वारा, अगर फिल्म को हर किसी को दिखाना है तो यूट्यूब पर क्यों नहीं डलवा देते, फ्री में सब कोई देख लेगा, इस बारे में क्या कहेंगे? अभी आपको हमारे निगम पार्षद जी ने बताया कि YouTube पे ही दिखाना था, तो विधानसभा की पूरी कार्रवाई YouTube पे डाल दो ना। आप एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, पिछले 30 सालों से जो हमारी पीछे की जनरेशन है, हम लोग हैं, हमें नहीं पता, आज हम 50 साल की हमारी उम्र हो रही है, हमें नहीं पता कि हमारे हिंदू भाइयों को जो कश्मीर में जो उनकी हालत करी गई, जिंदा काट दिया गया, बलात्कार हुआ हमारी बहनों के साथ में, तो वो क्या YouTube पे दिख जाएगा? सीधा हमारा ये था कि भैया टैक्स फ्री आपने पीछे भी 3 फिल्में कर चुके हैं आप, और ये तो ऐसी चीज़ थी कि हमें एक जन जन तक पहुँचाना, लोगों को पता लगे, हमारी जनरेशन को पता लगे कि कितना बुरा बर्ताव वहाँ के लोगों ने या उग्रवादियों ने वहाँ पर किया। हमें किसी भी धर्म से कोई परहेज नहीं है, हम किसी हर धर्म की हम सम्मान करते हैं, परंतु जो हमारे भाइयों के बहनों के साथ में जो बुरा बर्ताव हुआ, जो बुरा हुआ, उसके लिए हमें ये चाहिए कि इसका हम भरसक विरोध करें, और इसलिए हम चाहते थे कि ये फिल्म टैक्स फ्री हो और हर दिल्ली के नागरिक को मिले। परंतु हम एक चीज़ और बताना देना चाहते हैं कि यदि केजरीवाल जी आप यदि दिल्ली में टैक्स फ्री नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का मोदी का सिपाही है, हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लोगों को ले आके पूरा हॉल बुक करवा रहा है और फ्री में मूवी दिखा रहा है, मत करिए आप टैक्स फ्री। आज ये कार्यकर्ता यहाँ खड़ा हुआ है, तैयार है, हमारे पास एक ऐसी फौज भी है, ऐसे मोदी के सिपाही भी हैं, ये हर क्षेत्र में लोगों को ले आके फ्री में हम टैक्स फ्री नहीं करोगे, तब भी लोगों को पिक्चर दिखाएंगे और जन जन तक ये चीज़ पहुँचाएंगे किस तरह से हमारे हिंदू के लोगों के साथ में बुरा बर्ताव वहाँ पर हुआ है। सर, जैसे आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, ठीक है, तो केजरीवाल ने एक बयान और दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर समय से अगर आप निगम चुनाव करवाते हैं तो हम जीतेंगे, अगर हारते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सुनिए बात, जो वो बात कह रहे हैं वो इस बात में कोई दम नहीं है, चुनाव समय पर ही होंगे, चुनाव जो टाले गए हैं जो इसको ये करने जा रहे हैं, कारण क्या है उसका? पीछे 3 MCD थी, दिल्ली सरकार ने जो फंड देना था एक भी पैसा इनको MCD को नहीं दिया गया, जब फंड नहीं होगा तो काम कैसे होगा? उसके बावजूद हमारे सभी काउंसिलरों ने, हमारे मेयर ने, हमारी इस सरकार ने पूरा काम किया जितना कर सकते थे, जब सेंटर ने देखा कि दिल्ली नाश की ओर जा रही है, दिल्ली का विनाश हो रहा है, ये शख्स कुछ नहीं कर रहा, सेंटर ने डिसीजन लिया कि हम तीनों कॉर्पोरेशन को एक करेंगे, इसलिए चुनाव टाले गए हैं, और कोई कारण नहीं है। इस चुनाव के जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के पूरा बहुमत आएगा, दिल्ली जनता जा चुकी है। जो प्रदर्शन की बात जो कर रहे हैं, हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं टैक्स फ्री, वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसने जो मजाक उड़ाया हिंदुओं का, केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर जो हठास किया है, जो हंस हंस की बातें की हैं पूरी विधानसभा के अंदर, उसका रोष है ये, एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए वो टैक्स फ्री नहीं कर रही है। हमारा जो टैक्स फ्री की बात को नहीं, हमारे पूर्व अध्यक्ष ने बताया हम सक्षम हैं, पिक्चर दिखा देंगे, हमारा रोष हमारा ये कि हिंदुओं के विरोध में है ये, और एक पक्ष के, एक वर्ग के पक्ष में ही है, इसका नियत क्या, उसको खुश करने के लिए जो पहले पिक्चर आई हैं टैक्स फ्री की हैं, आज को नई बात नहीं है कोई, आज क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रहे कि वो वर्ग नाराज ना हो जाए, इसका वोट बैंक खत्म ना हो जाए इसका, ये खाली वोट बैंक की राजनीति करता है, दिल्ली भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, इसको कोई मतलब नहीं है। इनका जो विरोध है वो इसलिए नहीं है कि जो फिल्म है इसको टैक्स फ्री बनाया जाए, बल्कि इनका जो विरोध है वो इसलिए है कि केजरीवाल हिंदू विरोधी टिप्पणियां करते रहते हैं। ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।